आज पूरे देश में मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर काफी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ सभी इस पर्व को मना रहे हैं। यह खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त गोरखपुर दौरे पर हैं, वह भी भगवान सूर्य की उपासना करते हुए नजर आए हैं। इस महापर्व मकर संक्रांति या खिचड़ी जिसे बोलते हैं, इसके पावन अवसर पर तड़के सुबह सुबह परंपरा के अनुसार महायोगी गोरक्षनाथ को पहली खिचड़ी चढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। यह महापर्व है मकर संक्रांति का। सुबह सुबह उठकर परंपरा के अनुसार हमेशा की तरह महायोगी गोरक्षनाथ जी को सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाई गई है। इस महापर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या कहना है, देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में एक महीने तक प्रवास करते हैं, साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है, तो गोरखपुर में श्यवतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। वास्तव में यह पर्व जगत पिता सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में धनुराशि से मकर राशि में प्रवेश यानी जो संक्रमण है एक राशि से दूसरी राशि में, वह संक्रांति के रूप में जानी जाती है। और जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर राशि वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत एक माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं, आज से प्रारंभ होंगे, तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में या अन्य तीर्थों में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बदायूं के कछला घाट में मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ में
काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य का अपना महत्व है और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन कल से ही अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज पूरे दिन भर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा करके वह अपनी आस्था को तो व्यक्त करेंगे ही, साथ साथ मकर संक्रांति के अवसर पर जो परंपरागत आयोजन रहे हैं उसका शुभारंभ भी करेंगे। आज का यहाँ का एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी यह विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी श्रद्धालु जनों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत पिता इस सूर्य इस संपूर्ण चराचर जगत के नियमता हैं, उनकी कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर हर एक श्रद्धालु पर बनी रहे और उत्साह उमंग के साथ वे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मेरी सबके प्रति अपने मंगलमय शुभकामनाएं हैं।